मैं जानता हूं कि राहें कठिन हैं, लेकिन ठहरता कौन है? मैं जानता हूं कि राहें कठिन हैं, लेकिन ठहरता कौन है? मौत कल आनी है, आज आ जाए। मौत कल आनी है, आज आ जाए, लेकिन डरता कौन है? मैं जानता हूं कि तुम्हारी फौज बड़ी है, मैं जानता हूं कि तुम्हारी फौज बड़ी है, लेकिन फैसला तो मैदान में होगा कि मरता कौन है। वेलकम बैक टू माय ऑल स्टूडेंट्स। आज आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक आपको बताएंगे, और स्क्वायर रूट आप लगभग लगभग 2 सेकंड में निकाल देंगे। बड़े से बड़ा स्क्वायर रूट आप लगभग 2 सेकंड में निकाल देंगे, तो बने रहे हमारे साथ, क्योंकि नो रिपीट टेलीकास्ट। हालांकि आप लोग इसे YouTube पर बार बार देख सकते हैं, तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं इस स्मार्ट टिक को, और आपको बिल्कुल विश्वास दिलाते हैं कि आपके दिमाग में 100% फिक्स कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को। देखिए, सबसे पहली बात करेंगे, हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर नॉर्मली याद होगा। नहीं याद है तो आप लोग याद कर लें, 10 तक का स्क्वायर तो बच्चे बच्चे को याद होता है। आपको वैसे तो जनरली कम से कम 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। आप लोग देख पा रहे हैं, हम स्क्रीन पर पहले ही लिख लिए हैं 1 से यहाँ 11 से लेकर 20 तक, और यहाँ 21 से लेकर 30 तक के स्क्वायर लिख दिए हैं। आपको याद होना चाहिए, जैसे कोई पूछ दे 529 किसका स्क्वायर है, 23 का स्क्वायर है, 625 का स्क्वायर है, 729 27 का है, मतलब दिमाग में बिल्कुल क्लिक होना चाहिए। 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, इस टाइप से बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। मतलब आपको वैसे तो 30 तक के स्क्वायर जनरली याद होने चाहिए। नहीं याद है, याद कर लें, क्योंकि इसकी आवश्यकता इसमें पड़ेगी। दूसरी बात करेंगे, यदि आप 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर को अच्छे से देखें, इनकी यूनिट प्लेस को देखें, इकाई का अंक 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0, इकाई का अंक इसके अलावा किसी भी लाइन में आप चेक कर लें, इनके अलावा नहीं हो सकता। मतलब ये जो यहाँ टेबल लिखी हुई है, क्वेश्चन में यूनिट डिजिट 0 होगा, मतलब जो क्वेश्चन आपका होगा उसका इकाई का अंक या तो 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा, वही संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर होंगी। ध्यान रखना है, यदि आपकी इकाई के अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 हैं, तो वही परफेक्ट स्क्वायर होंगी, वही पूर्ण वर्ग होंगी, उसी का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिन संख्याओं के इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 होता है, 2, 3, 7, 8 आपको ध्यान में रख लेना है, वो संख्याएं कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगी, पूर्ण वर्ग नहीं होती। और यदि स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्वेश्चन दिया होगा, तो निश्चित है कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, मतलब उनकी इकाई में 2, 3, 7 और 8 नहीं होंगे। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात देखें, तो यदि क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 0 है, तो आंसर का भी यूनिट डिजिट ध्यान रखना है, इकाई का अंक आंसर का 0 होगा। क्वेश्चन का इकाई का अंक 1, तो 1 या 9 होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा और 9 का स्क्वायर 81 होता है, 1 या 9 होगा। देखें दूसरा, 4, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 8 का स्क्वायर 64, इकाई का अंक 4 होगा, 5 25, 5 वाले के केस में 5 बसाएगा, 6 के केस में 4 और 6, क्योंकि 4 जो को 16, इकाई का अंक 6 और 6 छंगा 36, इकाई का अंक 6, और यहाँ 3 के केस में 3 त्रिकाई 9, इकाई का अंक 9 और 7 सता 49 में भी इकाई का अंक 9। दूसरी बात आपको ये भी ध्यान रखनी है, यदि आपको एक अंक पता चल जाए, जैसे 2, तो 8, 2 के साथ 8 जुड़ेगा, 10 बन जाएगा, मतलब इनका योग 10 ही होगा। देखिए 4, 6, 10, 7, 3, 10, मतलब जिनमें 2-2 अंक हैं उनका योग आपका 10 होगा। हालांकि आपको ये बहुत सी छोटी सी बात है पता होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं कि इकाई के अंक यही होंगे। अब हम लोग लेते हैं अपना पहला एग्जाम्पल, और आपको दिखाते हैं किस तरह से आप आसानी से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। चलिए एक स्क्वायर रूट हम लोग ले लेते हैं। पहला स्क्वायर रूट हम लोग लेते हैं 576 का। ध्यान रखेंगे, पहला स्क्वायर रूट 576, ध्यान रखेंगे 576 का स्क्वायर रूट किस तरह से निकालना है आपको, ये ध्यान रखना है।
देखें, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको पीछे की ओर से दो अंकों का पेयर बनाना, पीछे की ओर से दो अंक का पेयर। अब आप देखें यहाँ इकाई का, यहाँ पर छः है, अब देखें छः कब कब आता है। यहाँ से आपको देखने पर पता चलेगा कि इसका इकाई का अंक या तो चार होगा, या तो चार होगा और या तो छः होगा। अभी श्योर नहीं है कि चार है कि छः है, या तो चार हो सकता है क्योंकि यहाँ छः है, तो चार का स्क्वायर 16 और छः का स्क्वायर 36, चार होगा या छः होगा। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है, ये जो पाँच, ये किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो आप देखें पाँच जो है दो और तीन के स्क्वायर, दो का स्क्वायर चार है और तीन का स्क्वायर पाँच, तो जो छोटा वाला नंबर है उसी को आपको लिखना है। चार और नौ के बीच में है, मतलब दो के स्क्वायर और तीन के स्क्वायर, तो दो को आपको लिखना है, मतलब यहाँ से आपका दो होगा, यहाँ से आपको दो मिला। ध्यान रखें फिर से, चार और नौ के बीच में आ रहा है, तो चार दो का स्क्वायर है और नौ तीन का स्क्वायर है, तो आपको छोटी वाली संख्या ही लेनी है, दो लिए। अब एक काम और करना होगा, दो तो बिल्कुल आपका क्लियर है कि आना ही आना है, बट इधर चार आएगा कि छः, ये कैसे फिक्स करेंगे। ध्यान रखें एक ट्रिक का, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दें, इसको एक बढ़ा दें, तो एक मल्टीप्लाई करेंगे तीन का, तो दो त्याई आपका छः, अब आपका दो त्याई छः होगा, ये छः हो गया, तो छः बड़ा है पाँच। यदि ये संख्या छोटी है, ध्यान रखेंगे, यदि ये आपका ये वाली संख्या, आप देखें छः, दो त्याई छः होगा और ये पाँच है, यदि ये संख्या छोटी है तो आपको छोटी वाली संख्या लेनी है, मतलब आपका आंसर 24। आप देखें ये वाली संख्या, इससे एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करने पर जो भी आया, तो उससे यदि ये वाली छोटी है, ध्यान रखना है ये छोटी है, तो छोटी वाली संख्या लेंगे जो क्वेश्चन में दिया है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, तब आपके दिमाग में एकदम से फिक्स हो जाएगा। आई होप ये एग्जांपल फिक्स हो गया होगा आपके दिमाग में। आइए लेते हैं कि जिसमें थोड़ी सी बड़ी, मान लीजिए रूट ले लिए 784 का स्क्वायर रूट। अब आप देखें चार कब कब आता है, दो का स्क्वायर चार होता है, और इधर से आपका ध्यान रखेंगे 8 का स्क्वायर 64, मतलब इकाई का अंक 2 या 8 होगा जब आप पेयर बनाएंगे। अब आप देखें 7 किसके किसके बीच में आएगा, तो वही कहानी 4 और 9 के बीच, मतलब 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर, तो छोटी वाली संख्या लिखना है 2, इसको एक बढ़ा के गुणा करें 3, तो जब बढ़ा के गुणा करेंगे, यहाँ पर एक अंक क्लियर हो चुका है आपका 2 होगा, तो बढ़ा के गुणा किए तो ये आपका आएगा 6। अब आप देखें ये वाली संख्या बड़ी है, ये वाली संख्या 6 से बड़ी, 7 है, बड़ी है, तो बड़ा वाला आंसर, मतलब 28 आपका आंसर। आई होप आपके दिमाग में फिक्स हो रहा होगा, नहीं हुआ है टेंशन मत ले। मैं फिर से एक एग्जांपल लेता हूँ, इस बार एग्जांपल की डिजिट बढ़ा देता हूँ, इस बार एग्जांपल की डिजिट बढ़ा देता हूँ। मान लीजिए स्क्वायर रूट इस बार है आपका 20-25, 20-25 का स्क्वायर, 20-25 का स्क्वायर ले लेते हैं। इस केस में देखें चार अंक हैं, यहाँ भी पेयर बनेगा 25, तो 25 किसके केस में आता है, तो ये बिल्कुल आपका क्लियर है कि 5 के केस में आएगा। अब आप देखें बिल्कुल क्लियर है कि 5 बस तो इसमें आता ही है, अब इसमें झंझट ही नहीं बची है किसको लेना है किसको लेना है। अब आप 20 को देखें किसके किसके बीच में आ रहा है, तो आप देखें 16 और 25 के बीच में लाइज कर रहा है, इसके इसके बिटवीन है, 4 और 5 के स्क्वायर में छोटी वाली संख्या लिखना है, तो 4 5 45 होगा। आई होप आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो गया होगा, आई होप आपके दिमाग में ये बिल्कुल ही फिक्स हो गया होगा। आइए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, बड़ी संख्याओं में एग्जांपल में 5 अंकों की संख्या ले लेते हैं, 156-25। तो देखें अब आपको ध्यान रखना होगा, 25 है तो इस केस में 5 ही आएगा, लास्ट का पेयर बना। 156 किसके किसके बीच है, तो ये होता है 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर के बीच में। देखें 12 का स्क्वायर आपका ये रहा 144 और 13 का स्क्वायर 156, छोटी वाली संख्या लेनी है, तो छोटी वाली संख्या 12 है, मतलब आपका आंसर 125 होगा। यूनिट प्लेस में जिनके 5 है वो और भी ज़्यादा आसान है, वो और भी ज़्यादा आसान है। आइए एक संख्या और लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 6241 का स्क्वायर रूट कितना होगा। देखें इसमें पेयर बनाएंगे दो अंकों का,
तो इकाई का अंक आपका क्लियर है वन कब आता है, या तो एक हो या तो नौ हो, मतलब आपका आंसर या तो एक होगा या तो नौ होगा। अब आप देखें 62 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आएगा, तो 49 और 64 मतलब 7 और 8 के स्क्वायर, छोटी वाली संख्या लिखनी है 7। अब आपको बता चुके हैं एक बढ़ा के गुणा करें तो 7 को एक बढ़ाएंगे, 7 आपका आंसर ही है, एक बढ़ाएंगे तो 8, तो 7 8 56 होगा। अब आपको चेक करें ये वाली संख्या बड़ी है, ये वाली संख्या बड़ी है, यदि ये संख्या बड़ी हो तो आपको बड़ा वाला लेना है, मतलब 79 आंसर होगा, 79 ही आपका आंसर होगा। आई होप आपके दिमाग में फिक्स हो गया होगा। आइए एक बड़ा नंबर लेते हैं, अब देखें ये थोड़ा सा बड़ा सा स्क्वायर ले लिए, अब देखें इस केस में यहाँ पर फिर से आपका जोड़ा बनेगा। अब आप देखें 9 किसके किसके केस में आ रहा है, तो या तो वो 3 का स्क्वायर होगा या 7 का होगा, 7 3 10 होता है, एक पता चल जाए तो जोड़ने पर 10 आता है, हालांकि ये आपको पता चल जाएगा आसानी से, ये पता भी होगा। 216 किसके किसके बीच में आता है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ से देखें 216 आता है आपका 14 और 15 के स्क्वायर के बीच में, 14 और 15 का स्क्वायर, छोटी संख्या लेना है, तो 14 तो ले ही चुके हैं, 14 तो आप ले ही चुके हैं। अब 14 का गुणा आपको क्या करना होगा, 15 से करना होगा, ध्यान रखें। तो 15 चौको कितना हो रहा है, 14 आपका आंसर 14 आ चुका है। अब आप इसमें इसको लेंगे या इसको, इसका निर्धारण कैसे करेंगे, 15 का 14 से मल्टीप्लाई, 15 चौको 60 हासिल 6, 15 एकम 15 6 21 210। अब आप देखें कौन सी संख्या बड़ी है, ये संख्या बड़ी है, बड़ी है तो बड़ा वाला लेंगे, 147 इज योर आंसर, बड़ी है ये, यदि ये बड़ी तो बड़ा वाला, यदि ये छोटी इससे तो छोटा वाला लेंगे। आई होप आपके दिमाग में फिक्स हो गया होगा। अब एक एग्जांपल ऐसा ले लेते हैं जिसके लास्ट में जीरो हो, एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं, हालांकि ये बहुत ही ईजी है। मान लीजिए एक के बाद, मान लीजिए एक के बाद आप 4 जीरो ले लेते, इधर से जीरो का पेयर बनेगा तो जीरो ही आना है, जीरो के केस में ध्यान रखेंगे ओनली जीरो, और 100 आप जानते हैं 10 का स्क्वायर, तो 100 ही हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे 100 का स्क्वायर वैसे भी आप करेंगे तो आसानी से 2 जीरो हैं, तो जीरो आपके इंक्रीज होकर के 4 हो जाएंगे। आई होप इस तरह से आपके दिमाग में स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक एकदम फिक्स हो गई होगी। एक बात आपको और बता दें, यदि संख्या और बड़ी है, 5 या 6 अंकों की हैं, तो वो भी इसी ट्रिक से निकाले जा सकते हैं, बट एक बात ध्यान रखेंगे, एक बात आपको ध्यान में रखनी है, रूट जो 1296 है इसमें ये ट्रिक अप्लाई नहीं होती है, अपवाद हर जगह है, 1296 के केस में ये अप्लाई नहीं होगी, आपको याद रख लेना है। ये 36 का स्क्वायर है 1296, 36 हम 1296 होता है ध्यान रखना है, और 35 हम 1225 होता है, ये आपको याद होगा, इसको तो याद रखना है क्योंकि ये इस रूल को फॉलो नहीं करता है हर जगह, मतलब ये अपवाद है, ये अपवाद है। तो इस तरह से आपके दिमाग में स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक फिक्स हो गई होगी। यदि आपको अच्छे से समझ में आया है तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।